एक लड़का जिसका नाम सौरभ था, शादी में गया था तो एक टीचर को देख करके, जो काफी बुजुर्ग था, और गया, प्रणाम किया, चरण स्पर्श किया और कहा कि आपने मुझे पहचाना? नहीं पहचाना नहीं, बताओ कौन हो? उसने कहा कि मैं सौरभ हूँ। और आप तो निश्चित ही भूल गए होंगे, कक्षा 3 में जब हम पढ़ते थे, और आपको तो मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊँगा, क्योंकि जो वो घड़ी वाली घटना जिस दिन से घटी ना, आपके प्रति तो मेरा भाव इतना है, मैं बहुत आपको आपके प्रति कृतज्ञता का भाव रखता हूँ। उसने कहा कि कौन सी घड़ी वाली, क्या बात है? उसने कहा कि जब कक्षा 3 में पढ़ते थे, एक दिन एक लड़के ने कहा कि मेरी घड़ी चोरी हो गई है, मेरी घड़ी मुझे मेरे पिताजी ने मेरे जन्मदिन के अवसर पर दिए थे, आप उसे प्राप्त करने में सहयोग करें। तो टीचर ने क्या किया, सभी बच्चों को लाइन से खड़ा कर दिया और सबकी आंखों पे पट्टी बांध दी और तलाशी लेने लगा कि इस बच्चों से कहा, भाई तलाशी लेंगे, इतने ही बच्चे हैं, न कोई गया है न कोई आया है, तो तलाशी लेने लग गए। और सभी के पैकेट को वो टीचर टटोलता टटोलता, और उन्होंने कहा कि आपको, मैं तो बहुत डर रहा था, क्योंकि वो घड़ी मुझे बहुत पसंद आई थी और मैंने उस घड़ी को चुपके से अपने चुरा करके अपने जेब में रख लिया था, और मैं जानता था आप तलाशी लेंगे तो मेरे जेब में वो घड़ी मिलने वाली है। इतना भयभीत था कि जब घड़ी मिल जाएगी तो सारे बच्चों को, अपने मेरे साथियों को आप बता देंगे कि ये तो चोर है, और सभी बच्चे मुझे चोर कहेंगे, मेरा अपमान करेंगे, और मैं बहुत भयभीत था, क्या करूं कैसे करूं। और फिर ये भी मन में था कि यदि मुझे लोग जान जाएंगे कि मैं चोर हूं, तो मैं जीकर ही क्या करूंगा, मर जाऊंगा। तो आए आप और मेरे पॉकेट में से घड़ी आपको मिल गई, लेकिन इसके बावजूद आपने अंतिम बच्चे अंतिम विद्यार्थी सबका पॉकेट चेक किया, सबकी जेब को आपने चेक की, और बाद में फिर आपने वो घड़ी उस बच्चे को बुलाकर कहा, देखो ये तुम्हारी घड़ी मिल गई है। और मैं सोचता था कि आप बच्चों को बता देंगे, और आपने आज तक नहीं बताया किसी को कि मैंने घड़ी चुराई थी। अच्छा, तो उसने टीचर ने कहा, अच्छा घड़ी तुमने चुराई थी, मुझे तो पता ही नहीं था घड़ी तुमने चुराई थी, क्योंकि सबकी आंखों में पट्टी बांधा था, लेकिन तुम जानते हो मैं भी अपनी आंखों में पट्टी बांध लिया था, मैं भी अपनी आंखों में पट्टी बांध लिया था, ताकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी नज़रों में मेरे विद्यार्थी कोई चोर हों, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें मेरे बच्चे, मेरे अन्य विद्यार्थी चोर की दृष्टि से देखें। शिक्षक का एक दायित्व होता है कि, या किसी का भी, चाहे माता पिता हो शिक्षक हो, दूसरे की सम्मान की सुरक्षा करें। और शिक्षक का केवल इतना ही नहीं है कि वो स्कूल की किताब का ज्ञान दे, बल्कि बच्चों को एक सही इंसान के रूप में निर्माण करे, ये उनके मन में हो, और उनका काम ही है कि बच्चों को सही दिशा दें। और क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आज जो वो कर रहा है, आज जो कुछ भी या शिक्षक या माता पिता कोई उनसे के प्रति कर रहा है, उनके जीवन में आगे क्या इम्पेक्ट होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा,
पता नहीं होता है, लेकिन सचमुच उनके हमारे सारे क्रियाकलाप जीवन को प्रभावित करते हैं बच्चों के। इसलिए शिक्षक का दायित्व है। और शिक्षक का मतलब, आज तो खैर शिक्षक दिवस है, सर राधा कृष्णन की ही तो जयंती है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ मास्टर साहब? हाँ, हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति सर राधा कृष्णन सर्वपल्ली, क्योंकि वो टीचर थे, मैंने उनके विषय में पढ़ा भी है कि वो कैसे थे उनके जी। हाँ, वो भी आज तो बहुत सारे शिक्षकों को शायद सम्मानित किए, 48 या कितने, और मुझे पता नहीं था, मेरी माँ का फ़ोन आया तो उन्होंने बताया इतने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है, ऐसा कह करके, और बताई कि मैं खुद टीचर थी पहले, इस प्रकार से। बहरहाल आज शिक्षक दिवस के अवसर पर ख्याल आया कि ये मैंने भी कहानी सुनी तो अच्छा लगा, और ये कहानी आप सबसे शेयर करूं और शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करूं। कितनी बार जब शिक्षक मिलते हैं या बच्चों के बीच बोलना होता है तो मुझे, मैं कहता भी हूं कि बच्चों को केवल सिलेबस कंप्लीट न कराओ, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट कराने वाले शिक्षक को बच्चे प्रायः भूल जाते हैं, लेकिन सिलेबस कंप्लीट कराना तो जिम्मेदारी है ही है। उसी बीच में कुछ समय निकाल करके, चाहे सप्ताह में, 10 दिन में, महीना भर में 10 मिनट, 5 मिनट समय निकाल करके बच्चों को जीवन का पाठ पढ़ाओ, जीवन का पाठ पढ़ाओ। मैं जानता हूँ, आप सभी अपने अनुभव से जानते हैं कि जो हम स्कूल में पढ़ाई किए रहते हैं, बहुत से विषय हमारे जीवन से संबंधित नहीं होते, जीवन से संबंधित नहीं होते, अर्थात आगे चल करके उन विषयों का हमारे जीवन में कोई उपयोगिता ही नहीं रह जाती है। इसलिए जीवन कैसे जीना है ये बताइए, क्योंकि शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि उन्हें रोजी रोटी कमाना ही सिखाएं। शिक्षा का एक उद्देश्य यह तो है कि रोजी रोटी कमाना सिखाए, लेकिन जो दूसरा उद्देश्य है उसकी पूर्ति होती नहीं। शिक्षा का दूसरा उद्देश्य है जो हमें जीने का ढंग सिखाए। तो रोजी रोटी कमाने के शिक्षक विद्यालय और महाविद्यालय में जाके पा भी जाते हैं, लेकिन जीने का ढंग कहाँ सीखते हैं? न माता पिता को ये जिम्मेदारी है कि मैं इन सब बातों को बताऊं। अच्छा, माता पिता क्या करते हैं? अच्छे से अच्छे स्कूल में, और आजकल तो प्राइवेट स्कूलों की बाढ़ सी आ गई है, इंग्लिश मीडियम तो गांव-गांव, यही देखो आपके आसपास के गांवों में भी खुलने लग गए हैं इंग्लिश मीडियम के स्कूल, और अच्छे फीस, ज़्यादा फीस दे करके आप वहाँ बच्चों को एडमिट कर देते हैं, उनका एडमिशन दिला देते हैं, कापी कागज़ सब कुछ, और यहाँ तक कहेंगे, बड़े प्राउडली फील भी करते हैं कि हमारे बच्चे के लिए स्कूल से गाड़ी आती है, ऐसे स्कूल में है, वैसे स्कूल में है। बात तो ठीक है, लेकिन वहाँ जाकर के क्या सीख रहा है? क्या जीवन के बारे में कुछ भी समझ में है? क्या उनके नैतिक शिक्षा भी मिल रही है? क्या उनके सद्गुणों का विकास हो रहा है? इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान में रखना है। तो शिक्षा केवल इतना न हो कि वो रोजी रोटी कमाना सिखा दे, बल्कि जीवन का पाठ पढ़ाए, कुछ समय निकालें, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना मैंने कहा ना, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो पढ़ाए तो जाते हैं, हमारे लिए उपयोगी नहीं होते हैं। और इस बात पर जब मुझे कभी कहने का अवसर मिलता है, आज मेरा विषय अलग है लेकिन संदर्भ इसलिए बताया कि एक लेखिका हुई, और यदि वो जिंदा होंगी अभी तो 90 के ऊपर की होंगी, 90 साल से, अब मुझे पता नहीं है, लेकिन उनकी पुस्तकें मैंने पढ़ी है, 3-4 पुस्तकें, और लुईस एल हे, और उनकी पुस्तक का नाम है यू कैन हील योर लाइफ। आपको कभी अवसर मिले तो ज़रूर पढ़िए। उस अमेरिकन लेखिका है, तो उन्होंने एक बात लिखी है, आजकल बच्चों को लड़ाइयों की तिथियां रटाई जाती है, सही है ना, लड़ाइयों की तिथियां रटाई जाती है,
मुझे समझ में नहीं आता कि बच्चों को लड़ाइयों की तिथियों को रटने से क्या फायदा होने वाला है। उन्हें ये नहीं बताया जाता कि विचार आपके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं और विचारों को बदलकर आप अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं, ये नहीं सिखाया जाता है। ये नहीं सिखाया जाता है और कितना महत्वपूर्ण है। मैं बच्चों से पूछता हूँ कई बार, क्यों पढ़ते हो? उत्तर ही नहीं, उत्तर ही नहीं है। सफलता कैसे मिलेगी बता ही नहीं पाते, सफलता की परिभाषा ही नहीं बता पाते, और मैं क्या कहूँ, नहीं कहाँ तक बताऊँ। कई बार तो लगता है कि टीचरों को पढ़ाना चाहिए पहले, फिर से ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अच्छा, कुछ लोग होते क्या हैं, प्रोफेशन केवल वहाँ पर नौकरी पाने के लिए जाते हैं कि हमको तनख्वाह मिल जाए। नौकरी कहीं नहीं मिली, चलो टीचर बन जाए, पैसा मिलेगा। नो, ये तो बिल्कुल ही तरीका नहीं है। शौक होना चाहिए, शौक से कोई पढ़ाएगा बच्चों को, पैसे के लिए नहीं, शौक से, एक जुनून हो, मैं इस बच्चे इन बच्चों के जीवन को अच्छी दिशा में प्रेरित करूँगा, अच्छी दिशा में जाने के लिए प्रेरित करूँगा, एक अच्छे इंसान के रूप में डेवलप करूँगा, और मैं केवल पढ़ाने का पैसा नहीं लूँगा। वो तो ठीक है, जीवन गुजर के लिए मुझे चाहिए, लेकिन ये मेरा शौक होना चाहिए, शौक होना चाहिए, तो ही आप हित कर सकते हैं। और कई बार मैंने कहा, यदि हमारे समाज के 3 सदस्य यदि ठीक हो जाएं, तो इसका रिजल्ट हमारे देश में 20 साल बाद मिलेगा। वो 3 सदस्य कौन कौन से हैं? माता पिता और टीचर्स, माता पिता और टीचर्स। क्योंकि प्रथम तो वही टीचर है ना, माता पिता वही टीचर हैं। एक इधर नया पार्क पास में एक गांव है सोनेसिली, एक मास्टर आए, बड़े मास्टर साहब, तो मैं जहाँ कक्षा में था, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप विद्यालय में चल के बच्चों के बीच कुछ कहें। तो समय निर्धारण, अब उनका विद्यालय का, फिर सत्संग का, कैसे होगा। फिर मैंने कहा, एक काम करिए आप जब मैं सत्संग में जिस समय आऊँगा उसी समय बच्चों को सब ले आइए, मैं उन्हीं बच्चों के लिए बोलूँगा, वो उन बच्चों के लिए हो जाएगा और सबके लिए हो जाएगा, क्योंकि ऐसा बैठ नहीं रहा है। तो वो ले आए, सभी बच्चे बैठे हुए थे, गांव के जो श्रोता थे वो सब भी बैठे हुए थे। मैंने बच्चों के लिए कहा और बच्चों के साथ साथ में सबके लिए कहा खास करके। तो जब मेरा उस पर प्रवचन पूरा हुआ तो प्रिंसिपल खड़े हुए, कहा कि आज सचमुच कुछ नई बातें सुनने को मिली और ये बहुत अच्छी जानकारी हुई। फिर उन्होंने क्या कहा, जो कहना जो बताना चाहता हूँ, उन्होंने कहा स्कूल की पढ़ाई का समय कितने घंटे होते हैं? 6 घंटे, 6 घंटे। उन्होंने क्या कहा, 6 घंटे वर्सेस 18 घंटे। क्या कहा? 6 घंटे वर्सेस 18 घंटे। क्योंकि पेरेंट्स आते हैं और कहते हैं कि इन बच्चों को बताओ, ये तो बहुत नाराज़ होते हैं, टीवी बहुत देखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, शिकायत करते हैं और हमको बताने के लिए कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, 6 घंटे हमारे पास रहते हैं, 18 घंटे आपके पास रहते हैं, तो जिम्मेदारी किसकी ज़्यादा है, सोच रहे हैं? अच्छा, माता पिता क्या सोच रहे हैं, हम तो स्कूल में बढ़िया स्कूल पढ़ाने के लिए भेज ही दिए हैं, सही है ना, वो अब टीचर का काम है। बच्चे क्या हो गए हैं, फुटबॉल, माता पिता उधर से मार रहे हैं और टीचर से उधर से मार रहे हैं। भविष्य के साथ खिलवाड़ न करो। यदि टीचर्स इन कामों को नहीं कर पाते तो माता पिता का भी दायित्व तो है, ये सच भी है कि माता टीचर से ही क्या करेंगे यदि माता पिता सावधान न रहें, तो उनको भी तो चाहिए अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए कुछ काम करें, खुद पर काम करें, ऐसे ही टीचर का भी दायित्व है। तो इस प्रकार से आज ख्याल आया, शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं पुनः उन समस्त शिक्षकों को नमन करता हूँ जिनका प्रभाव हम सबके जीवन में होता है और जो हमारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए हमें प्रेरणा देते हैं। हमारे जीवन में दुखों के कई कारण हैं, कई कारण हैं, और मुख्य कारण है हमारी अज्ञानता।
सदगुरु कबीर ने बीजक में दुख के विषय में कहा है, कई जगह कहा है, बहुत दुख 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 की खानी तब बची हो जब राम ही जानी, दुखते तभी ही बाँची हो जब सकलो जरी जाए, तेही साहेब के लागव साथा दुई दुख मेट के हो सना था। इन पंक्तियों का यदि अर्थ करने लगूं तो सब समय इसी में चला जाएगा। ये सारी पंक्ति जो पंक्तियाँ मैंने कही है उसको उसका मैं मैसेज देना चाहता हूँ। जैसे सदगुरु कबीर ने कहा कि बहुत दुख दुख की खानी, दुख 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 तीन बार कहते हैं। खानी कहते हैं उत्पत्ति स्थान, जहाँ से पैदा हो, जैसे कोयले की खान क्या होगा वहाँ, कोयले, लोहे की खान, खान माने उत्पत्ति स्थान, हीरा उत्पत्ति स्थान। इसी प्रकार से दुख की खानी, क्या कह रहे हैं पंक्ति, बहुत दुख 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 की खानी, बहुत दुख की खान है। कहाँ है दुख की खानी? कभी कभी मैं अपनों से पूछता हूँ, ये बताओ संसार दुख रूप है कि सुख रूप है? आप लोगों से पूछूंगा तो क्या कहेंगे? दुख रूप है कि सुख रूप है? क्योंकि गीता में बात आई है कि दुखालयम अशाश्वतम, और कबीर साहब तो कह ही रहे हैं बहुत दुख 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 की खानी। महात्मा बुद्ध ने तो कहा ही है दुख है, दुख के कारण है, दुख का निवारण है, निवारण का कारण भी है। चार आर्य सत्य में उन्होंने प्रथम यही कहा है दुख है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी ये बात कही है, अन विचार रमणीय सदा संसार भयंकर भारी। हाँ दुख है, संसार दुख है। अच्छा मैं क्या पूछ रहा हूँ यहाँ पर, संसार दुख रूप है कि सुख रूप है? तो कुछ लोग क्या कहेंगे, दुख रूप है। अच्छा कुछ लोग कहेंगे सुख रूप है। कैसे दुख रूप है, कैसे सुख रूप है? सच बताऊँ संसार केवल है, बस संसार केवल है। यहाँ आप दुखी होते हैं वो आपका विषय है, यहाँ आप सुखी होते हैं वो आपका विषय है। क्योंकि संसार में वो प्रचुर मात्रा में वो भरपूर सब कुछ है जिससे आप दुखी हो सकते हैं, और यह भी सच है वह सब कुछ है जिससे आप सुखी हो सकते हैं। सही है ना? आखिर किसी भी साधक संत ने निर्वाण प्राप्त किया, कल्याण प्राप्त किया, चाहे अतीत में चाहे वर्तमान में, जिन्होंने सुख शांति का अनुभव किया, कोई दूसरा संसार था? कोई दूसरा संसार था? बुद्ध के लिए कोई दूसरा संसार था? कबीर के लिए कोई दूसरा संसार था? यही चांद, यही सूरज, यही पृथ्वी, यही हवा मंडल, यही वातावरण, यही धूल कचड़ों से भरा संसार, यही निंदा चुगली करने वाले, मारकाट करने वाले लोग क्या भिन्न थे? आज भी हैं। पहले भी लोग दुखी सुखी होते थे, आज भी लोग दुखी सुखी रहेंगे। विज्ञान चाहे जितना विकास कर ले, बढ़ जाए और बहुत आविष्कारों का अंबार लग जाए, लेकिन क्या उससे दुखों का अंत होगा? और दुख के चाहे जितने कारण हो, क्या आदमी सुखी नहीं हो सकता है? तब भी हो सकता है। इस विषय को यहीं स्थगित करता हूँ, ये बिल्कुल अलग है। लेकिन मैं ये कह रहा था, जहाँ सदगुरु कबीर कहते हैं बहुत दुख 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 की खानी, वो उत्पत्ति स्थान कहाँ है? वो उत्पत्ति स्थान है गुरुदेव जी की लिखी व्याख्या, जब आप पढ़ेंगे ना। कितने लोग व्याख्या पढ़े हैं, जरा हाथ उठाएंगे क्या? बीजक व्याख्या आधा हाथ उठाओ, हाफ। आप लोगों से भी, आप लोगों की नमन करता हूँ, आप लोग कितने धन्य हैं जो आज तक बीजक नहीं पढ़े हैं। सही है ना? कबीरपंथी तक सभी प्राय लोग होंगे, कबीरपंथी मैं समझता हूँ, लेकिन कबीर के विचारों से दूर का भी संबंध नहीं है, दूर का भी संबंध नहीं है। कबीरपंथी बन गए हैं, किसी ने दीक्षा दे दी होगी और मान लिए हम कबीरपंथी हैं कह करके। चलो ठीक है, तो भी ठीक है भाई, कुछ तो अच्छा है। लेकिन कबीर के विचारों को से जब तक नहीं जुड़ेंगे, कबीर से को आप समझ ही नहीं पाएंगे। सच बात तो ये है, न कबीर को समझ पाएंगे न अपने जीवन को समझ पाएंगे, ये भी सच है।
बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ, गुरुदेव जी ने ये लिखा कि अज्ञान दुख की खानी है, अविद्या दुख की खानी है। जहाँ अविद्या है, जहाँ ये देखो, अविद्या शब्द दार्शनिक भाषा है, देहाती भाषा में कहूँ मूर्खता, बस देहाती भाषा कहूँ ये है ना समझी, और सरल भाषा में कहता हूँ ना समझी। जहाँ जहाँ ना समझी है वही वही दुख है, जहाँ जहाँ समझ है, सही समझ है, वही वही दुख का अंत है। जितनी मात्रा में समझदारी बढ़ती जाएगी, सही समझ हमारे जीवन में विकसित होती जाएगी, उतना ही हमारे जीवन का दुख और अशांति घटती चली जाएगी। ये समा एक अनुपात में होता है, ये एक दोनों का ऐसा रेशियो है कि ये रहेगा तो वो नहीं, वो रहेगा तो वो नहीं, अंधकार और प्रकाश की तरह है ये। इसलिए आवश्यकता क्या है कि उस अविद्या को, उस अज्ञान को, उस नासमझी को, और उनमें से उस अज्ञान में एक बहुत बड़ा अज्ञान है हम लोगों के परिवार और समाज में अंधविश्वास। देखिए, हम सबको विश्वास की आवश्यकता है, यह नहीं है कि हम देखें तभी विश्वास करें, नहीं देखे रहते विश्वास करना होता है, विश्वास करते ही हैं। अब जैसे यहाँ से सूचना दी गई, भाई यहाँ सत्संग होगा कल, मान लो कल की बात बता रहा हूँ, कल सत्संग होगा और सत्संग के बाद भोजन होगा। अब आपके मन में हो कि पता नहीं भोजन दे कि न दे, पता नहीं सत्संग हो कि न हो, ऐसा करेंगे, ऐसा सोचेंगे, अविश्वास करेंगे तो आप आएंगे? क्या करते हैं? विश्वास करते हैं, सही है ना, विश्वास करते हैं। बहुत ये बहुत सारे बड़े बड़े व्यापार भी विश्वास के बल पर हो जाता है, लाखों लाखों रुपये थमा देते हैं, विश्वास पर चलता है, विश्वास पर चलता है, संबंध विश्वासों पर चलता है। और कई बार जब पारिवारिक चर्चा मैं करता हूँ कि पारिवारिक विषयों पर मैं जब बोलना होता है मुझे, तो मैं ये कहता हूँ प्रेम और विश्वास, कई बार प्रेम से भी बढ़ के होता है विश्वास। संभवतः कल ये विषय पर चर्चा हम करेंगे, पारिवारिक आपसी प्रेम पर। तो विश्वास बहुत ही मजबूत पक्ष है जीवन का। पति पत्नी पर विश्वास करता है और पत्नी पति पर विश्वास। शादी होकर के कोई भी नववधू ससुराल जाती है किस विश्वास से? जो मेरा जीवन साथी है, जिनके साथ मेरे परिवार और मेरे समाज के लोग, या मैं खुद जिसको मैं अपने पति के रूप में, जीवन साथी के रूप में चुनाव किया हूँ, वह मेरा संरक्षण करेगा, मेरी सुरक्षा करेगा, मेरी आन बान और मर्यादा का ख्याल करेगा, मेरी रक्षा विश्वास के साथ। परिवार वालों के प्रति विश्वास करके जाती है और पति भी विश्वास करता है पत्नी के प्रति, मेरे घर और परिवार, और जब बच्चे होंगे तो बच्चों की भी सुरक्षा और व्यवस्था करेगी, मेरा ध्यान, मेरे माता पिता की ध्यान, ये विश्वास करती है, ये विश्वास पर ही तो आगे बढ़ता है। इसलिए विश्वास जरूरी है, लेकिन विश्वास सत्य के प्रति हो तब तो ठीक है, लेकिन असत्य के प्रति जब विश्वास होने लगता है उसे कहते हैं अंधविश्वास, उसे कहते हैं अंधविश्वास। ये बहुत बड़ा एक कारण है कि हमारा समाज अंधविश्वास के दलदल में धंसता चला जा रहा है। पहले लोग कहते थे, गुरुदेव जी भी कहा करते थे कि जब और अंग्रेज गवर्नमेंट का ज़माना था और तब लगता था कि अब आज़ादी मिलेगी मिलेगी, तब ये चर्चा होती थी जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई बढ़ेगी और कुछ हमारे पास धन संपत्ति बढ़ जाएगी, तो ये जो दहेज प्रथा है और बाल विवाह है और बहुत से अंधविश्वास हैं, सब अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? जितनी शिक्षा बढ़ी, शिक्षा के ही अनुपात में अंधविश्वास का विस्तार हुआ, और नए नए टेक्निक, नए नए तरीके अपनाने लग गए उस अंधविश्वास को, गलत बातों को
प्रमाणित करने के तरीके अपनाने लग गए। और वही जिससे अंधविश्वास दूर किया जाता था जिन माध्यमों से, उन्हीं से अंधविश्वास बढ़ाए जा रहे हैं। देखते हैं ना टीवी में एस्ट्रोलॉजी कौन आता है, नक के बारे में बताने वाले, ज्योतिष के बारे में बताने वाले, अंगूठी के बारे में बताने वाले कहाँ आते हैं। ये सब पढ़े लिखे लोग इन्हीं सब बातों को लेकर के भटक रहे हैं। बंधुओं, ये क्यों होता है अंधविश्वास, क्यों होता है पता है आपको? मैं सच बताऊं, आपको कबीर के विचारों के बारे में ज्ञान ही नहीं है। जिस दिन सचमुच आप कबीर विचारों को पढ़ लेंगे और समझ लेंगे, इस सारे अंधविश्वास जीवन से उसी प्रकार तिरोहित हो जाएंगे जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने पर तारे विलीन हो जाते हैं, ऐसे ही हो जाएंगे। लेकिन हम तो ज्ञान से भी परहेज करते हैं, परहेज करते हैं, और इसीलिए चोरी छिपे चिपके चुपके कई बार तो होता है। घर का मुखिया या घर के कुछ लोग होते हैं इन अंधविश्वासों से अलग होते हैं, लेकिन बहू रानी आई या घर की ही बेटी है या बेटा है और मित्रों के साथ में मिलजुल करके बस वो कर्मकांड करने लग गए, अंधविश्वास में उल्टे लटकने लग गए, उसी में फंसते चले गए और गलत कामों में लगने लग गए। आज कितना देखो ना, इसी छत्तीसगढ़ में कितने टुनही को लेकर के कितनी महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, कितनी झूठी बातें हैं, भूत प्रेत देवी देवता मरी मशान टोना टोटका ज्योतिष फलिस, कितना भ्रम और अंधविश्वास से भरा हुआ है। आपको केवल कुछ बातें ही समझने जैसी है। मैं बताऊं आप, और जो भ्रम और अंधविश्वास में फंसे हुए लोग हैं ना, उनको तो केवल कबीर की एक पंक्ति के अर्थ भी नहीं पता है। एक पंक्ति मैं बता दूं ना भी, क्या है वो जिसको सब जानते, अच्छा अर्थ सब समझते हैं, कौन सी पंक्ति है? कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का, और क्या है ठीक से बोलो, मैं भूल गया हूँ, आम कहाँ से खाए, सही है ना, याद है ना, पता है आपको, पता है धान का बीज यदि खेत में डालूंगा तो वहाँ से गेहूँ नहीं आने वाला है ना, नहीं आने वाला है। अर्थात जो मैं बीज बोता हूँ उसी की फसल काटता हूँ। ये बातें कहने की क्या उदाहरण दे करके, जो आप कर्म करेंगे उसी का फल जीवन में आएगा आएगा। तो आपके जीवन में जब प्रतिकूलताएं आती हैं, किसी प्रकार से दुख आता है, असफलता मिलती है, तो आप तमाम देवी देवताओं और ओझा शोखा बैगा ये तमाम साधु संतों के पीछे और इस ज्योतिषियों के पीछे क्यों भागा करते हैं आप? क्या ज्योतिषी आपके भविष्य के बारे में बता सकता है, बता सकता है? क्या वो अपना भविष्य जानता है? नहीं जानता है। आजकल मैं नहीं जानता हूँ, पहले मैं छोटा था तब की बात बताता हूँ। वो सुबह सुबह आते थे ठंडी के मौसम में, भटरी, भटरी नहीं आते क्या, जय गंग वाला ऐसा ऐसा ही लाने वाला है, आजकल भी आते नहीं आते? बाहर वो मैदान पर वो तंबू तान देते थे और सुबह सुबह आते थे, क्योंकि जानते हैं सुबह सुबह कोई मना नहीं करेगा, सुबह सुबह कोई मना नहीं करे, बड़े मनोवैज्ञानिक होते हैं वो लोग। इसलिए भिखारी कोई आएगा ना सुबह के वक्त में, क्योंकि भाई सुबह सुबह दरवाजे पर आए तो घुसते दे दो, बस हाथ देखना विचारना, बड़े ट्रिक होते थे उनमें, उनसे हाथ दिखा रहे हैं, उनको आप जो हाथ की रेखाएं दिखा रहे हैं, क्यों भटके हुए हैं क्यों? और जी, और वो कोई आ जाए ना आपके यहाँ कि भाई रुपये का दो का चार, चार का छः, दस का बीस, पचास का सौ, सौ का दो सौ, पाँच सौ का हज़ार कर देते हैं, क्या करने वाले हैं? वो खुद कंगाल बना हुआ है, भटक रहा है, अपना पैसा बढ़ा नहीं सकता, आपका पैसा बढ़ा देगा? इतना तो समझो, बच्चों में कोई छोटी मोटी तकलीफ आ गई क्या बताएं, डॉक्टर के पास तो बाद में भी जाएंगे, कोई क्या कहते हैं उसको, फूंक मारने वाला होता है ना, फूंकने वाला, झाड़ने वाला, क्यों भटक रहे हैं? क्यों पता नहीं, मैं तो जिस दिन से मैं साधु मार्गम आया भी नहीं था, पढ़ता ही था, और जैसे सिद्धांत के बारे में पूरी जानकारी हुई तो
तो मैं अपने परिवार में अपने रिश्तों में खूब कहता था इस विषय को, और बहुत लोग कहे टोनी और उसके बारे में भूत प्रेत के बारे में बहुत खंडन करता था। पारक प्रकाश में बहुत पहले मैं लिखा था, अभी भी वो पुस्तक में एक है अंधविश्वास कैसे है, ये ब्रह्म भूत सकल जग खाया, पुराने नाम से भी मेरा उसमें कुछ संकलन है लिखा हुआ कि ऐसे ऐसे घटनाएं घटी जो गलत हैं ये है ऐसे कह करके। तो बहुत मेरे नाना जी को मैं क्या बताऊँ, मैं उनको नमन करता हूँ, लेकिन अंधविश्वास जीवन भर रहे हो दोनों से बहुत लड़ाई होती थी। मैं कहता था नाना जी कुछ नहीं है, आप बच्चे हो नहीं जानते हो, मैं क्या बताता हूँ उनको कि आप नहीं जानते हो। बहुत कहता रहा, बहुत नहीं माने वो। कई बार मैं बाहर जाता था उनके घर, जब जाता था तो बीच में कहीं नींबू काटे हैं कुछ करते हैं, मैं मार देता था पैर से और बताता था, अरे कैसे कर दिया तुम, तो बड़ा खतरा हो जाएगा, कुछ नहीं होता नाना जी, सब भ्रम है ये। बहुत कुछ करता रहा ये सब, तो कुछ भी नहीं, सब झूठ है, सब झूठ है। लेकिन ये इन सारी बातों को विस्तार का अवसर नहीं है, लेकिन इतना समझ लो आपके कर्म का फल आपको मिलेंगे। अच्छे कर्म करेंगे आपको अच्छा परिणाम आएगा, गलत करेंगे कोई देवी देवता, कबीर साहब का सिद्धांत क्या है, आत्मा ही परमात्मा है। कुछ बातें समझो, आत्मा ही परमात्मा है, इसके अलावा कोई ईश्वर ब्रह्म खुदा गाड नहीं है जो इस सृष्टि का संचालक हो और आपके कर्मों का कर्ता और विधाता हो, कोई नहीं है आप। दूसरी बात है, देवी और देवता वो प्राणियों से अलग कोई नहीं है, कोई आकाश में देवी देवता नहीं है। जो आपके घर में सदस्य हैं, चाहे वो माता बहने हों या फिर भाई लोग हों, पुरुष वर्ग हो, एक नर देवता नारियां देवियां, गुरुदेव जी यही कहा करते थे। अपने आसपास के लोगों को जो मनुष्यों के रूप में, उन्हें देवी देवता मानो, उनकी पूजा करो। पूजा का मतलब सुंदर व्यवहार ही असली पूजा है। मंदिर में जाकर पूजा कर लेते, अब आजकल तो किसका जोर चल रहा है, गणेश भगवान, भगवान तो नहीं है देवता कहना चाहिए, गणेश, गणेश का बड़ा जोर है। मेरी आवाज़ तो दूर तक जाती होगी, लेकिन सच बताऊँ ना, गणेश कोई ऐतिहासिक देवता ही नहीं है, वैदिक देवता ही नहीं है। और जितनी भी देवी देवताओं का आज वर्णन है ना, वो कोई देवी देवता वैदिक नहीं है। आप देख लीजिए, मैं यदि कहता हूँ तो, यदि मेरी बात गलत हो तो मुझे जेल में ठूंस देना, देख लेना आप, कोई देवी देवता वैदिक नहीं है, सब बात के बनाए हुए देवी देवता हैं। सब अभी कुछ वर्षों पहले की है, 2000-3000 साल पहले से ही है, और इसके पहले सब देवी देवता थे ही नहीं। गणेश के विषय में जब हमारा देश आज़ाद के लिए आंदोलन कर रहा था, तो बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने हिंदुओं को संगठित करने के लिए इनकी पूजा प्रारंभ की थी, मैंने कहीं पढ़ी। और फिर ये बात में जब पिथौरा वही कह रहा था, एक सरदार जी आए थे, उन्होंने भी कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और वो तो बड़े विस्तार से बताने लगे इस बात को लेकर के, उन्होंने शुरुआत की। लेकिन आज आप लोग क्या कहते हैं, गणेश किसके बेटा हैं, क्या क्या वो सुनता हूँ। जब हम लोग हॉस्टल में थे ना, तो हमारे हॉस्टल वार्डन भी ब्राह्मण देवता थे, वो भी गणेश बैठवाते थे हम लोगों से, हमको क्या पता रहा, हम भी पूजा करते थे। और उस आरती मुझे याद थी उस समय, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ये सच है कि झूठ है बताओ, क्या पार्वती और शंकर के पुत्र हैं वो? सभी लोग कहानी सुने हैं, माता पार्वती स्नान कर रही थी, उबटन कर रही थी, और उनके शरीर से जो मैल निकला उसी से क्या बना दिए, सुने कि नहीं सुने हैं गणेश? अब इतना भी समझ नहीं है, ये माताओं को पूछो, यदि 5-6 साल भी ना नहाए ना, तो उतना मैल निकल ही नहीं सकता जितने में गणेश बना सके कब से नहीं नहाई होगी वो इतना शरीर गंदा रहा होगा, सोचो तो सही। अच्छा चलो ठीक है, बना भी दिए और प्राण भी फूंक दिए, और कहाँ रख दिए उनको, कहाँ खड़े कर दिए, दरबान बना करके, चौकसी चौकीदार बना कर खड़े कर दिए। अब शंकर तपस्या से लौटे, जब लौटे तो उनको पता होना चाहिए, सर्वज्ञ है ना भगवान, है तो सर्वज्ञ है, त्रिकालदर्शी होना चाहिए कि यहाँ पर पार्वती ने एक मिट्टी का मैल का बना करके यहाँ पर चौकीदार रखे हुए हैं,
अब वो घर जाने के लिए जिद कर रहा है, अब स्वाभाविक है जिसको, उनको तो कभी शंकर को देखे नहीं थे वो, तो गणेश तो रोकेंगे ना वो, तो भाई अजनबी आदमी कैसे है, वो देखने भी कैसे लग रहे हो, विचित्र सांप को लपेटे हो और क्या पहने हुए, विचित्र लगेगा नहीं कोई आ जाए तो कोई भी रोकेगा, तो गणेश रोक रहे थे, बिल्कुल सही है। अभी लड़ने लगे और इसको इतना क्रोध आया कि उसका गला ही काट दिए, यही घटना, यही कहानी है ना, गला काट दिए। अब पार्वती आकर के रोने लगी, जब रोने लगी तो उसने कहा कि ये तो गड़बड़ हो गया, कहीं इसको जिंदा करो। अब जिंदा करने का कौन सा तरीका होना चाहिए, वहीं पर गला काटे हो तो उनका सिर तो वहीं रखा है भाई, उसको जोड़ देना चाहिए। अब एक दूसरी हत्या, दूसरे हाथी जो जिंदा है बेचारा, उसके गला को काट करके फिट कर रहे हो, ये समझदारी है? और आप कह रहे हैं, वो भी कहते हैं कि लड्डवन के भोग लगे संत करे सेवा, पता नहीं कौन संत से। मैं क्षमा चाहता हूँ, पूजा करने वाले करें, लेकिन ये सोच करके कि इनसे हमको भोग मोक्ष मिलेगा, और वो कोढ़िन को काया और बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया ले लो ना जा करके माया कुछ नहीं होगा। और अभी तो कुछ दिन के बाद में नवरात्र शुरू होगा, तो शुरू होगा फिर, पहले तो केवल शहरों में दुर्गा का स्थापना करके पूजा होती थी, अब तो गांव-गांव में ये कंपटीशन का विषय हो गया है। और ये भी सच बताऊं, अभी 4-5 साल पहले की बात है, मैं इधर ही था, धमतरी के पास गांव में था, एक शिविर था, वहाँ से मैं शहर जाना हुआ किसी काम से। ऐसा संजोग उस दिन गणेश विसर्जन का दिन था और लोग जुलूस निकाले थे और बड़े बड़े डीजे बाजा बजा रहे थे और बहुत युवक युवती अबीर गुलाल लगा करके जो नाच रहे थे। तो जो भाई मुझे गाड़ी से ले जाए, मैंने कहा जब पार हो गए, ऐसा लगता है जिसे शराब पी करके नाच रहे हैं। उसने कहा साहब इनमें से कोई शराब पिए बिना नाच ही नहीं रहे हैं। हमने कहा कमाल है, सोचिए ये हमारी संस्कृति है और आप भरोसा कर रहे हैं कि उनकी पूजा करके मुझे जो मुझे भोग मोक्ष मिलेगा, मेरा कल्याण होगा, मेरा दुख दूर होगा, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। और आजकल तो बहुत सारे अंधविश्वास शुरू हो गए हैं, एक इस कई लड़के भी और लड़कियां भी पैर में काला धागा, अभी तो मैं इंक्वायरी नहीं करूंगा लेकिन सच है कि नहीं है, काला धागा पहनते। अच्छा क्यों पहनते हैं? काला धागा पहनने से बीमारियां नहीं आती हैं? जो लोग काला धागा पहनते हैं लोग कभी बीमार नहीं पड़ते हैं क्या? अच्छा उनकी क्या कहते हैं उसको, एक्सीडेंट जीवन में कभी नहीं होगा उनका, उनका धन मर जाएगा? अच्छा बिना पढ़े उनके उन परीक्षा में पास हो जाएंगे बच्चे जो लोग काला धागा पहनेंगे वो लोग, किस लिए है आखिर में? ये काला धागा पहन करके लोगों को क्यों गुमराह कर, छोटे छोटे बच्चों के हाथ और गले में, एक बार अभी भी गया था वहाँ ताबीज पहनाए थे बच्चे को मैंने, हाँ राजस्थान में, मैंने छोटा सा बच्चा आया था, मैंने पूछा क्या नाम है, इवान। अच्छा इवान का क्या अर्थ है? उसने कहा इवान का अर्थ होता है भगवान गणेश। मैंने सर्च किया मोबाइल में, सचमुच भगवान इवान, भगवान गणेश इवान का अर्थ होता है। तो मैंने पूछा ये गले में क्या है, तो उसने कहा क्या ताबीज कौन पहनाया, मम्मी ने पहना दिया। और उनके दो माता पिता दोनों टीचर, हो सकता है कहीं रिकॉर्डिंग पहुँचे तो मुझे कहेंगे भी आप कैसे बोले साहब कह के, लेकिन सच है ये, सच है। क्या हुआ था? मैंने फिर कहा घर में जाकर के, अभी से बच्चों के मन में ये जो ताबीज और क्या क्या पहना करके क्यों इनको अभी से भयभीत कर रहे हो, मत करो, उनको थोड़ी स्वतंत्रता महसूस करने दो, राहत महसूस करने दो। नया मकान बनता है, उसी राजस्थान में ज़्यादा देखा, यहाँ कहीं कहीं देखता हूँ, नया मकान बनता है तो काली हंडी टांग देते हैं, काली हंडी टांगते हैं और उसमें चित्र बनाए रखते हैं। काली हंडी टांगने का क्या मतलब निकलता है, टोना ना लगे, सही है ना, मकान को टोना ना लगे, क्या होना चाहिए? अच्छा ठीक है, ये आपको विश्वास है मकान को टोना नहीं लगेगा यदि काली हंडी टांग देंगे तब। अब कल से काम करना, काली हंडी को हेलमेट के जगह सिर पर लगा के मोटरसाइकिल चलाया जाना, सही है ना, कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, और होगा भी ना तो आपकी सिर जो है ना कभी नहीं टूटने वाली है। कितने लोग लगाने वाले हैं काली हंडी को? नहीं लगाने वाले हैं, कुछ लोग तो टायर को लगाते हैं, मैं देखा हूँ जिसके घर, आप वही बता रहा हूँ मैं,
टायर को या तो स्कूटर का टायर या किसी टायर को लटकाए रखते हैं, टायर को लटकाए रखते हैं। अब कल से गले में टायर लटका लो ताकि कोई दुख तो जीवन में ना आए। ये सारे भ्रम और अंधविश्वास भटक रहे हैं, भटक रहे हैं। देवी देवता कोई अलग से नहीं है, असली देवी देवता घर के सदस्य हैं, आत्मा ही परमात्मा है। अपने कर्मों पर विश्वास करो और अपने अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा होगा ही, कोई पूजा पाठ उसको खत्म नहीं कर सकता है। कोई भी देवी देवता उसे आपके जीवन से दूर नहीं कर सकते हैं। और आजकल तो तमाम तीर्थों में जाओ तो कितना भटकाव है, कितना भटकाव है। ये नदी में नहा लो, ये मंत्र जप लो, ये कर लो। अच्छा, भटकाने वाले भी चारों तरफ फैले हैं, फैले हैं। और फिर आपको क्यों नहीं फैले रहेंगे? क्योंकि आप लोग तो देने को तैयार हैं, आप तो देने को तैयार हैं। आपके मन की कमजोरी वो समझ जाते हैं। इसीलिए कबीर परिचय में बात आई है, कबीर लोभी के गांव में ठग नहीं परे उपास, जो जही मत का लोभिया तही घर ठग को बास। सब जगह ठग फैले हैं, क्यों? सब समझते हैं ऐसा करने पर लोग कमज़ोर हैं, ये करने पर ये मिलेगा, ये मिलेगा, उनको दहशत दिखाओ ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं करो तो ये हो जाएगा। बस वो पैसा देने लगेंगे, देने लगेंगे, उनका काम बन जाता है, आपको कुछ नहीं होने वाला है। कोई भी आदमी एक जगह यहीं चौराहे पर बैठ जाए, यहीं पर रोज के कहा करे, कोई आए और कहे कि जाओ लड़की आए, युवती आए, पुत्र पुत्रवती भाव, फिर कोई किसी चाहिए लड़का था, लड़का हो जाएगा, कोई वो हो जाएगा, तुम्हें धन मिल जाएगा, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तुम्हें बुझाएगा। हजार लोग आएंगे, हजार लोग, हजार लोगों में से 50 लोग का सही हो जाएगा ना, वो आप भी करते रहेंगे तो 50 लोग का सही हो जाएगा, 50 लोगों का सही है। फिर वो 50 लोग आपके प्रचारक बन जाएंगे। अच्छा, मैं अभी पारक प्रकाश में पढ़ भी रहा था, उसमें कैसे कैसे तुक्का बैठता है, तुक्का बैठता है। एक लड़का था, गड़रिया ही था शायद वो, तो वो ऐसे ही कुछ इधर उधर दिन की तिथि वर्तमान की परिस्थिति देख करके लोगों के बारे में बताया करता था, और वो कई बार तक्का बैठ जाता था। लोग कहे बड़ा जानकार है ये, तो ये भविष्य जानता है, ये बहुत जानकार है। ऐसा करते करते उसकी जानकारी की प्रसिद्धि बढ़ती चली गई, ये तो सबका जान जाता है, ये करता है कुछ नहीं, दो चार तुक्के बैठे रहे होंगे, बैठ गए तुक्का तो सब प्रसिद्धि हो गई उनकी। राजा तक पहुंचा, राजा तक पहुंचा कि उनकी बात, तो राजा ने कहा ठीक है भाई, लाओ हम भी परीक्षा करें। तो जब परीक्षा करने के लिए वो बुलाए तो भी गया राजा के यहाँ। तो राजा ने सोचा कि इनसे पूछो कैसा है, भविष्य जानता है आगे के बारे में। एक टिड्डा, टिड्डा समझ रहे ना, फाफा कहते नहीं, उसको अपने हाथ में ऐसे रख लिया और पूछ, और आया तो पूछा बताओ मेरे हाथ में क्या है। अच्छा, वो इतना डर रहा था, इतना डर रहा था, क्योंकि उसको पता था मैं तो जानता नहीं हूँ, अभी पता नहीं क्या होगा। उसने कहा सही सही बता दो, तुम्हें बहुत इनाम मिलेगा मुँह मांगा, और नहीं बताओगे ना तो फिर समझ लो तुम्हें जान से ख़त्म कर दूँ, करवा दूँगा, तुम्हें मौत की सज़ा मिलेगी। इतना परेशान, इतना परेशान, अब क्या करूँ, अब क्या पता भाई क्या रखे उनको, कैसे पता कि क्या रखा है, बोल ही नहीं सकता था। और ऐसा संजोग, उस लड़के का क्या नाम था, टिड्डा नाम था, उस लड़के का नाम भी टिड्डा था। उसने कहा हुजूर आपके हाथों में है टिड्डे का जीवन मरण। क्या कहा, आपके हाथों में है टिड्डा का जीवन मरण। राजा को लगा सही बात है, टिड्डा मेरे हाथ में तो है। और उसने कहा आप सचमुच बड़ा जानकार है, देखो प्रचार कितना हो गया। ऐसा कहीं कहीं कनेक्ट हो जाता है, कहीं कहीं बानक बन जाता है और प्रचार शुरू हो जाता है। उनको क्या पता कि वो टिड्डा उनके हाथ में, को तो अपना नाम की रक्षा ज्यादा, टिड्डा कहीं आपके हाथ में है, टिड्डा के जीवन मरण आपके हाथ में है, ऐसे कहा करके। तो ये उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, सब गलत और अंधविश्वास है। ये अंगूठी का पहनना, नक का पहनना, कैसे बताऊं मैं इन सब सारी चीज़ों को। अच्छा, मेरे बताने से नहीं बनेगा, जिस दिन आपके भीतर क्लियरिफाई होता चला जाएगा ना सिद्धांत के बारे में, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद समझ जाएंगे क्या मैं व्रत की उलझन। अच्छा, मैं क्यों जानता हूँ, मैं तो इसके बारे में अच्छी तरह जानता हूँ, मैं सैद्धांतिक दृष्टि से और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जानता हूँ। लेकिन ऐसे लोग जो पहले उस अंधविश्वास में गले तक डूबे हुए थे, जब आए आश्रम में,
गुरुदेव जी के पास, या हम लोग जब ही आश्रम में जहाँ रहते हैं वहीं आए, और वे लोग जब अपनी बातें बताए, जब धीरे 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 यहाँ सिद्धांत की बातें समझ में आई, आज वो कहता है इंसान कि साहब आज आप लोग न होते तो शायद मेरा जीवन ही ना होता। और कैसे कैसे अंधविश्वास से भटके थे, आधी रात को वहाँ वहाँ वो मंदिर वो पूजा वो किसी मुसलमान के पीर उसमें जाते थे उसमें जाते थे, कोई हनुमान के मंदिर में रात रात में बुलाते थे। एक बार बताए राजस्थान के पहाड़ी पर कठिन ठंडी में भेजे, हम लोग तो दोनों के दोनों मर गए होते इतनी ठंडी में, कैसे बच गए यही बड़ी बात है, बहुत ठंडी थी। ये टोटका वो टोटका करने के लिए कहते थे। अब कहते हैं साहब आज लगता है कि मेरी क्या दशा हो रही थी, क्या दशा हो रही थी। कहने का मतलब है वे लोग बताते हैं जो भटकने के बाद जब ज्ञान पाते हैं तब, भाई तो लोग तो बताते ही नहीं हैं, बताते ही नहीं हैं। आप लोगों से मेरा निवेदन है कबीर के विचारों को समझें, और बाहरी किसी देवी देवता के पूजा में अटको मत, प्राणियों को देवी देवता मानो, अपनों को मानो, उनके साथ सुंदर व्यवहार करो। और किसी इसलिए कबीर साहब जी ये मूर्ति की पूजा चित्र की पूजा मना करते हैं, मना करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कबीर पंथी लोग खुद कबीर की मूर्ति बना करके स्थापित करेंगे और खुद आरती करने लगते हैं, और वही कबीर पंथी लोग आरती भी करेंगे पत्थर की मूर्ति बना के, और फिर मंच पर बैठेंगे तब क्या कहेंगे, कबीर ने कहा है पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़ आते तो चाकी बली जो पीस खाए संसार। अच्छा आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चाहे वो समाधि की पूजा हो, चाहे वो मूर्ति बना के पूजा कर रहे हो, चाहे खड़ाऊ रख कर के पूजा कर रहे हो, सब अंधविश्वास के अंतर्गत आता है। देखो वैष्णव जी बैठे हैं वो जानते हैं अच्छी तरह से, अभी जिनके गाँव में था उधर एक भगत हैं वो बता रहे थे साहब क्या बताऊं, लाइन से समाधि बनी हुई है, और जहां सब जगह एक एक महंत और पुजारी बैठे रहते हैं वहां पर सब दंडवत करते हैं पूरी तरह से, और दक्षिणा पूजा चढ़ती चलती जाती है, क्या होगा इससे। आप कम से कम इस भ्रम और अंधविश्वास से ऊपर उठो और सही वैज्ञानिक चिंतन करो, कबीर साहब के विचारों को पढ़ करके निश्चित रूप से आपका दिमाग साफ हो सकता है। लेकिन तब जब इन विचारों को पढ़ें, या फिर न पढ़ पाएं तो संतों के पास जा कर के पूछो, साहब ऐसा करते हैं ऐसा हो जाता है, वैसा करते हैं वैसा, ये जब पूछते रहेंगे बार बार सत्संग करेंगे तो संतों के साथ सत्संग करते करते भी मन में सही ज्ञान स्थापित होगा और अज्ञान खत्म होता चला जाएगा, आपके समझ में बात आती चली जाएगी। इसलिए आप सभी इन भ्रम और विश्वासों से ऊपर उठें और सही ज्ञान के पथ पर चल करके जीवन को सुख और शांतिमय बनाएं। साहेब बंदगी साहेब।